नुसरत साहब, मुझे एक बात बताएं, जब इमरान खान साहब के टाइम पर ये हो रहा था 2018 में कि उनको लाने के लिए पूरी एक प्लानिंग और एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था जिसके साथ साथ सारे कैरेक्टर्स उस हिसाब से खेल रहे थे, अब क्या वही हो रहा है 2023 में भी नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके केसेस के मामले में, कन्विक्शन के मामले में, और प्रिपेयर किया जा रहा है एक तरीके से, बिल्डअप हो रहा है कि उनको हम लेकर आए एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये अनफेयर है, फेयर है, या आपके हिसाब से 2018 और अब में कोई फर्क नहीं है? देखो दुआ, इफ यू गो बाय द अपीयरेंसेस, तो मामला ऐसे ही लग रहा है कि 2018 में इमरान खान साहब लाडले थे, उनके लिए महफिल सजाने का एहतमाम हो रहा था, और वो जो हमारी लोक दास्तान है मिर्जा साहिबा, उसकी तरह गलियां हुमन सुनजियां विच मिर्जा यार फिर वाला सीन बनाया जा रहा था। तो अब तासुर कुछ इस तरह का मिल रहा है। अब फेयर और अनफेयर के बारे में क्या कहें, वो कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है, और ये इख्तदार का खेल है बीबी। इख्तदार के खेल में तो बार बार याद दिलाना पड़ता है इब्ने इंशा का फिक्रा कि औरंगज़ेब साहब ने एक नमाज और एक भाई नहीं छोड़ा था, क्योंकि इतनी ये चीज़ होती है। तो अगर औरंगज़ेब जैसा नेक और सालह आदमी जो है अपने भाइयों को कुर्बान कर देता है, तो मैं और आप तो किस खेत की मूली। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ, दयानतदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं अगर नवाज शरीफ साहब की जगह हूँ तो मुझे इस तासुर के बारे में इंतहाई अपसेट महसूस करना चाहिए। देखिए, नवाज शरीफ साहब के केस में जो है उनकी जिल्लत और रुसवाई का सफ़र, दुआ अगर ऑब्जेक्टिवली आप बात करो तो अप्रैल 2016 से शुरू होता है, उससे पहले तो वो धरना वरना भी हो गया था 2014 में। 2014 में धरना हो गया था बिल्कुल, लेकिन अप्रैल 2016 में जब आते हैं पनामा पेपर्स, उसके बाद दुहाई मच जाती है कि साहब, हालांकि उसमें नाम नहीं है नवाज शरीफ साहब का, नहीं वो करप्शन का नैरेटिव स्टार्ट हो गया और उसमें बराह रास्त बिलाखिर मोमेंटम इतना बनाया जाता है 3 से 4 महीने, और उसमें दूसरों को दोष देने से पहले आपको ये बात भी मानना पड़ेगी कि खुद हमारे शोबे यानी मीडिया की एक बेपनाह तादाद भी उसका हिस्सा थी, उस गेम का। बिल्कुल थी, वो भी कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर मीडिया था, मीडिया मेन यानी डिलीवरी बन रहा था। उसके बाद फिर उसको उचक लिया उस जमाने के सुप्रीम कोर्ट साहब के, जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब थे, साकिब निसार साहब, लोगों ने। तो अब आप ये देखिए कि अप्रैल 2016 से गेम चलती है और फिर एक फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि जी इसकी तो हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए, फिर GIT बनती है। वजीर आजम जिस पे ये इल्ज़ाम होता है, ये तोहमत होती है हमारे तहरीरी आइन के मुताबिक कि वो बतने अजीज का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो ग्रेड 20 और 21 के अफसरों पर मुश्तमिल एक कमेटी के रूबरू पेश हो रहा है। और उन दिनों मैं कहता होता था कि अगर यही रिवायत रही तो कल को पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो थानेदार के आगे पेश होता जाएगा, और मैं रोता चला गया। मैंने कहा कि अगर वजीर आजम साहब ने पेश होना है इस तरह, और ये बखुदा मैं नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं कह रहा था, देखो एक ऑफिस की एक रिस्पेक्ट होती है, वजीर आजम अगर लिजिटमेट बुनियादों पर इमरान खान भी हों और बहसियत वजीर आजम अगर उन्हें इस तरह रगेदा जाए, तो बखुदा मैं उनके बारे में भी इसी तरह, क्योंकि रिस्पेक्ट PM के ऑफिस के लिए ऑफिस जरूरी नहीं है, मुंतखब इदारे की इज्जत। बहरहाल तो उनके साथ क्या हो रहा है जी, कि वो बलूचिस्तान के कुछ जो अंडे होते हैं जो किसी भी मुर्गी के नीचे बिठा दिए जाते हैं कि जी ये आपको अंडे देगी, तो इस दफ़ा मियाँ साहब को कहा गया कि जाइए क्वेटा जी, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें ले आइए अपने नेस्ट में। देखिए, जो सहूलत इमरान खान को पहुंचाई गई है वो मियाँ साहब को नहीं पहुंचाई जा रही, और जो जिल्लत नवाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम फेस करना पड़ रही थी वो इमरान खान साहब ने फेस अभी तक नहीं की है। मैं आज भी कह रहा हूँ नहीं की। तो आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट सिनेरियो है? नहीं बीबी, लेकिन लोग तफसीलात में नहीं जाते हैं, वो अपीयरेंसेस पे जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अपीयरेंसेस में, क्योंकि लोगों को देखें, किसी के पास चीज़ों की तफसीलात में जाने का दुआ वक्त नहीं होता, वो लोग मुख्तसर कहते हैं यार बात का वो ज़रा निकालें कभी नतीजा क्या। तो आम आदमी की नुक्ता नज़र में अखबारात देखें, मीडिया देखें,
जनरल जो तासुर है वो यही है कि 2018 का लाडला इमरान खान था और आपके लाडले अरविंद नवाज शरीफ साहब हैं, और मैं अगर उनकी जगह होता नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनकी पहचान ये बनी थी वोट को इज्जत दो, वो तो तार तार हो गया वो नारा, तो अगर वो इसके बारे में खुश हैं तो मैं मामा लगता हूँ, मुझे क्या पड़ी है, ठीक है भाई, इफ ही फील्स गुड अबाउट इट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारे पंजाबी में कहते हैं अग्गे तेरे पागल छिए, तो मैं भी कहता हूँ मियाँ साहब अग्गे तेरे पागल छिए। आपने भी कहा कि अगर आप नवाज शरीफ साहब की जगह होते, तो अगर आप उनकी जगह वाकई होते, आपको ये सब कुछ सस्पिशियस ना लगता कि ये एकदम से सारा जो मुल्क का एक नैरेटिव तो नहीं, मतलब एक नेटवर्क है, वो एकदम उनकी साइड पे हो गया, जो पहले उन्हीं को निकालना चाहता था। मसला ये है कि मैं नवाज शरीफ तो नहीं हूँ ना, मैं तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि ये सब मेरी तो दानिश में नवाज शरीफ साहब जो हैं ये इख्तदार के खेल से कोई अजनबी तो नहीं है बीबी। 1980 की दहाई में जब मार्शल लॉ लगता है और वो थोड़ा सा लोगों को इंडक्ट करते हैं, कुछ सिविलियन फसाद अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तो इनको जनरल जिलानी साहब की कैबिनेट में वजीर ख़जाना बनाया जाता है। उसके बाद फिर गैर जमाती बुनियादों पर 1985 में इंतखाब होते हैं और फिर ये सूबाई वजीर आला बन जाते हैं और उस वक्त के सिस्टम के मुताबिक मुंतखब वजीर आला बनते हैं पंजाब के, और बाद हज़ार फिर 1990 में यानी दो मरतबा पंजाब के वजीर आला रहे। चले हम कह सकते हैं जी 1985 में इनकी मदद की इनके सरपरस्तों में, 1988 में भी एक हवाले से IGI बना कर की, उसके बाद 1990 में ये वजीर आज़म हो गए। अर्ज फ़कत ये करना चाह रहा हूँ कि मुझसे तो कहीं ज़्यादा फिर वो 1990 की में जो आए थे उस हुकूमत को गुलाम इसहाक़ खान साहब ने अप्रैल 1993 में बरतरफ कर दिया, नसीब हसन शाह साहब के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस हुकूमत को बहाल कर दिया, उसके बावजूद जो है कुछ फ़ायदा ना हुआ, 93 में काकड़ फार्मूला के तहत इंतखाब करवाना पड़े, फिर वो 97 में आए और 99 में मार्शल लॉ लग गया, उसके बाद फिर तवील जलापत्ती और वगैरह वगैरह, और फिर 2013 में वो आए और 2014 में धरना शुरू हो गया। तो उन्हें तो मुझसे कहीं ज्यादा इन चीजों का पता होना चाहिए। तो फिर इस दफा भी चीजें डिफरेंट क्यों होंगी? क्या उन्हें वाकई काम कर देना देंगे? खुदा का वास्ता है, क्या मैं नवाज शरीफ साहब के दिमाग का एक्सरे तो नहीं कर सकता हूँ? नहीं, मैं ये आपसे उनका जो थॉट प्रोसेस है वो मैं, मेरा ख्याल है अपनी अला की तस्कीन कर रहे होंगे कि मैं जी मैं आ गया हूँ सबके बावजूद। नहीं, मैं ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ, एक जाती अना भी तो होती है ना, शायद ये होगा। मैं ये कैसे कह सकता हूँ, देखो आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट ना मैं, और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब के अंदर की दिल की उनके बात जानना तो बहुत मुश्किल है। ही हैज़ अ वेरी पोकर फेस, उनसे आप कोई बात करेंगे ज़ताड़ा की खालगी करना चाहिए, ऐसे कहो बहुत अच्छे से। लेकिन नवाज शरीफ साहब से कभी आप उनके दिल की बात, और मैं आपको बताऊँ उनके इन्होंने यहाँ जो गेम लगाई होती है ना, वो मरियम बीबी भी नहीं जान सकते। ये मैं आपको अपने पोकर फेस, यू हैव टू गेस, और जब आप गेस करेंगे तो वो, मेरा अपना ख्याल है शायद उनको इस वक्त ज़्यादा जो प्रिवेल कर रही है उनकी सोच पे तो वो अना है, ईगो उनकी अपनी, मुझे निकाला था ना, अब मैं वापस आ गया, वही जिसको चोर लुटेरा और वो ये आप शायद ये भी कि तुम ही लोगों ने मुझे निकाला था और अब तुम ही लोग मुझे लेके आए हो, तो ठीक है तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा लेना, लेकिन उसमें सवाल पैदा होता है कि मैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई। अगर ये दो फरीकैन हैं, एक हमारे यहाँ के ताकतवर तरीन इदारे को रिप्रेजेंट करने वाले लोग, एक पाकिस्तान के तीसरे पार रहे वजीर आजम, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं और आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी इस गुफ्तगू का मकसद क्या है, क्या ये ला यानी गुफ्तगू नहीं है? हम तो ज़मीन पर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े हो गए, हम क्या, हमारी सोच क्या? वो इफ्तार आरिफ साहब ने एक ज़माने में वो हिजरत के बारे में कहा था कि वो रिस्क की, तो इस वक्त मैं लाइन बोल रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने ये कहा हम क्या, हमारी हिजरत क्या, हमारी सहाफत क्या है, हम क्या कर रहे हैं। बोले कि मेरा और आपका जो तज्जिया होगा या एनालिसिस होगा, क्या वो मारूसी हालात को बदलेगा? नो सर, नैरेटिव में कंट्रीब्यूट ही कर सकता है वो भी, अगर
हुआ कोई नैरेटिव अभी तक तो वही नहीं समझ आ रहा। नैरेटिव तो क्लियर है कि वो जिनको निकाला गया था वो ये कह रहे हैं, वो गालिब का फिर एक शेर है, आज पता नहीं शेर मुझे काफ़ी यानी उनका मफहूम आ रहा है शेर की, है सच पूरा नहीं आ रहा वो, कि शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं, वहाँ गालिब ने भी ये कहा रखी है, तो कह रहे हैं महफिल में इसी ख्याल से आ गया हूँ, तो शायद उनका ख्याल हो कि उन्हें निकालने वाले आप पछता रहे हैं, तो इस ख्याल से गालिब की तरह वापस आना चाह रहे होंगे वजारत उस्मान। लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो वापस आए तो फिर 2014 की तरह उनके आते ही वो धरने नहीं शुरू हो जाएंगे और बाकी गेम्स। वही तो मैं कह रही हूँ, क्या गारंटी है कि इनको काम भी इवन करने दें। मेरे और आपके सोचने की नहीं है बीबी, ये नवाज शरीफ साहब के सोचने की है ना, मैं उन्होंने मुझे ठेका तो नहीं दिया कि मैं उनकी जगह सोचूंगा, जो तो सोचना होगा तो ये सोचना है कि मैंने इस दफ़ा जो गैस का बिल आना है वो मैं कैसे अदा करूंगा, मैं तो बीबी फिलहाल वही सोच लूँ तो वही बहुत है। लेकिन सवाल तो आते हैं ना माइंड में। ओहो, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि जहाँ तक मेरी औकात है मेरी नहीं नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमें हमारे हुक्मरानों ने ऐसा फंसा दिया है कि हम तो यही सोचेंगे कि हम अपना बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे। अब मैं अपने बिजली के बिल अदा करने के बारे में सोचूं, गैस के बिल का अदा करने के बारे में सोचूं, या ये सोचूं कि मियां साहब के जेहन में क्या है। बस वही बात है ना, लोगों को उसी काम में लगाए रखो कि वो आगे कोई और बात ही ना सोच सकें बिजली और गैस के बिल के आगे। ठीक है, आप हम अगर हैं ही गुलाम जहन के लोग तो क्या हो सकता है, तो भुगतें भुगती रहे सर, वही तो कह रहे हैं कि आगे भी यही भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सर मैंने कहा है पॉजिटिव नोट पे खत्म करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव तो नोट भी नहीं था। ये है कि आज धूप निकली हुई है, कितना पॉजिटिव नोट है, और मेरा ख्याल है आइंदा और 3-4 दिन भी धूप रहेगी इस्लामाबाद में, कम अज कम लाहौर में धुंधवुंद है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जहाँ जिस शहर में हैं वहाँ पे धूप है और मौसम अच्छा है। I can sit in the lawn for a while to read newspapers and all that. चलें। तो ये पॉजिटिव नहीं? कुछ तो है कम से कम। Not all is negative. वैसे ये है कि 9 बजे से मेरे यहाँ गैस नहीं आ रही तो चाय नहीं पी पा रहा हूँ। ये भी एक अगर काम अगर वो यानी कि पॉजिटिव के साथ एक रियलिटी चेक तो मिलना ही चाहिए ना हमेशा। तो रियलिटी चेक हो गया। चलें फिर देखते हैं नुसर साहब अगले हफ्ते तक क्या क्या नई चीजें आती हैं, या आती हैं भी या नहीं आती, या गैस आती है या नहीं आती और उसका बिल आता है या नहीं आता।